नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, और उसमें हम देखेंगे साइड और पैरेलल रिएक्शंस। हमने पहले अपोजिंग रिएक्शंस देखी थी, यानी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हमने देखा था कि थ्री टाइप्स की होती है, अपोजिंग रिएक्शन एंड देन साइड और पैरेलल रिएक्शंस। तो ये जो हम सेकंड टाइप स्टार्ट करेंगे, साइड और पैरेलल रिएक्शन, ये वो रिएक्शंस होती है जिसमें कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके साथ साथ साइड में और भी रिएक्शंस होती है जिससे अनादर प्रोडक्ट बनता है। यानी अभिकारक एक तरह का उत्पाद बना रहा है और उसके साथ साथ वह दूसरी तरह का भी उत्पाद बनाता है, यानी दो अलग अलग अभिक्रियाएं एक ही अभिकारक से चलती है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये जो है ये कहलाती हैं पैरेलल या साइड रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का जिसे आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ये देखिए, बेंजीन उसका जब हमने क्लोरीनेशन कराया तो मेन प्रोडक्ट तो बन गया क्लोरोबेंजीन, ये ऊपर वाला जो बना है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, और साइड में उसके साथ साथ इससे बनता है C6H6Cl6, यानी हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये साइड हेक्सा क्लोरो हेक्सेन बनता है, एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन बनता है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऊपर क्लोरोबेंजीन बन रहा है और नीचे ये बन रहा है, तो ऊपर वाली मेन रिएक्शन है और नीचे ये साइड रिएक्शन है, जिसका एक एग्जांपल और है कि क्लोरोएथेन, उसका जब हम एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इससे आप देखिए कि इस एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में इस क्लोरोएथेन से या इथाइल क्लोराइड से मेन प्रोडक्ट तो इथीन बनता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में इसमें साइड प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल। तो इस तरह से यहाँ पर मेन रिएक्शन भी हो रही है और साइड रिएक्शन भी होती है। तो हम यहाँ पर इसकी काइनेटिक की स्टडी करेंगे, काइनेटिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। माना कि हमने एक रिएक्टेंट लिया ए, और इस रिएक्टेंट ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है बी, और साइड में और रिएक्शन हो रही है उससे सी प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1 सपोज, और ए से जब सी बन रहा है तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है सपोज K2 है। तो हम इस ए की जो विघटन की दर लिखेंगे, यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो सपोज हम इसको x1, बी को हम x1 से डिनोट कर दें, सी को हम x2 से डिनोट कर दें, तो हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू dx1/dt प्लस dx2/dt, और dx/dt इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर सपोज एट टाइम t0 कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम टी पर, अच्छा, और टाइम टी पर सपोज बी और सी के एक्स मोल बने तो इस ए की कंसंट्रेशन रह जाएगी A-X। तो इसलिए यहाँ पर जो इसकी रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे वो हो जाएगी, रेट का जो सॉल्यूशन होगा वो है K1 × A-X प्लस K2 × A-X। तो इन दोनों से A-X कॉमन आ गया और ब्रैकेट में है K1 + K2, और इस तरह से हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी -dx/A-X इज इक्वल टू K1 + K2 × dt। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा -log A-X इज इक्वल टू K1 + K2 × t + c।
यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, सो c क्या हो जाएगा माइनस लॉग a। तो इस c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू, ये हो गया k1 प्लस k2 इंटू t माइनस लॉग a। और हम इसको रीअरेंज करके फाइनली ऐसा लिख सकते हैं k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस x। तो k1 और k2 के हम अलग अलग मान कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि किसी भी टाइम पर हम ये लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c विच इज़ इक्वल टू k1 a माइनस x अपॉन k2 a माइनस x, a माइनस x से a माइनस x कैंसिल हो गया और ये रहा k1 अपॉन k2 विच इज़ इक्वल टू z। सो b कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c इज इक्वल टू k1 अपॉन k2। और इस तरह से हमें अगर k1 पता है तो हम k2 कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ b और c भी पता होना चाहिए, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं k1 या k2 हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ अपोजिंग और पैरेलल रिएक्शन, सॉरी ये हमारा हुआ साइड और पैरेलल रिएक्शन। और अब हम स्टार्ट करेंगे कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या जिसे हम क्रमागत प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये एक तरह की जटिल अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ये होता है कि जो क्रियाकारक उत्पाद बनाता है वो उत्पाद खुद क्रियाकारक का काम करते हुए नया उत्पाद बना देता है, यानी एक जो क्रियाकारक से जो उत्पाद बना उस उत्पाद से नया उत्पाद बन जाता है, जिसका आप यहाँ एक जनरल एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ए क्रियाकारक है जो कि बी उत्पाद में परिवर्तित हुआ, और इस बी उत्पाद की जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसने अलग रिएक्शन की और ये अन्य उत्पाद सी में परिवर्तित हो गया, यानी दो नए तरह के प्रोडक्ट यहाँ बने। अब सपोज़ हम ये कहते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो ए की कंसंट्रेशन जो है ए मोल पर लीटर है और बी और सी की कंसंट्रेशन जीरो है, और सपोज़ टाइम टी पर ए की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स है, बी की कंसंट्रेशन वाई है और सी की कंसंट्रेशन जेड है। तो टोटल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा और ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट ए है इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज, यानी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और इसी तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हम लिखेंगे प्लस डी ए वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन एक्स माइनस के टू वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इस इक्वेशन नंबर टू को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के वन डी टी, यानी इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू के वन टी प्लस सी। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सपोज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो ये पुट किया तो सी हमारे पास आ गया माइनस लॉग ए, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो गई हमारी माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू के वन टी माइनस लॉग ए, और के वन टी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन एक्स। और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू के वन टी, या एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू पावर माइनस के वन टी,
ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई और इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इस 3 में पुट करते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 3 हमारी हो जाएगी वो है dy/dt इज इक्वल टू k1 e की पावर -k1t - k2y। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और जिसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को dy/dt + k2y, क्योंकि हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो +k2y = k1 e की पावर -k1t। अब हम इस इक्वेशन में दोनों ही साइड हम इसको e की पावर k2t से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमने इसको e की पावर k2t से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हो गई। देखिए dy/dt e की पावर k2t + k2y e की पावर k2t = k1 a e की पावर -k1t e की पावर k2t। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा हमारे पास k1 a e की पावर k2 - k1t। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो हम लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं d(y)e की पावर k2t / dt। यानी हम यूँ समझे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये हमारे पास निकल के आएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये which is equal to k1 a e की पावर k2 - k1 into t। अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा y e की पावर k2t = k1 a/k2 - k1 e की पावर k2 - k1 into t + c। c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट और c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ये कंडीशन लगाएंगे at time t = 0। हम ये जानते हैं कि y भी 0 होगा तो इसे y 0 है तो ये इक्वेशन हो गई c = -k1 a/k2 - k1 और c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी y e की पावर k2t = k1 a/k2 - k1 e की पावर k2 - k1 into t - k1 a/k2 - k1। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में से हमने k1 a/k2 - k1 कॉमन ले लिया तो विदिन ब्रैकेट रहा e की पावर k2 - k1 into t - 1 ब्रैकेट क्लोज। और फिर हम y की वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं y = k1 a/k2 - k1 (e)(-1)/e)(k2t). और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा e की पावर -k1t - e की पावर k2t। इसे आप खुद सॉल्व करके देखिए, नहीं तो मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा सॉल्यूशन, इसको ध्यान से देखिए तो आपका सॉल्यूशन ये निकल के आएगा। यानी हमारे पास y आ गया y = k1 a/k2 - k1 (e)(-k1t - e)(k2t). ये हमारी इक्वेशन नंबर
6 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से x और y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और इस इक्वेशन 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू a माइनस x माइनस y, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और हम इसमें फिर x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी z इज इक्वल टू a माइनस ए ई की पावर माइनस के वन टी, ये है क्या x की वैल्यू, ठीक है, ये पुट कर दी। और माइनस y की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ गया माइन के वन ए अपॉन के टू माइनस के वन विद इन ब्रैकेट ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर के टू टी। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए इसको इस तरह से इस पूरी इक्वेशन में से हमने a अपॉन के टू माइनस के वन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब हमने ये कॉमन लिया तो ये हमारी इक्वेशन हो गई कि विद इन ब्रैकेट, क्योंकि इसका कॉमन लिया इसका मतलब हमने यहाँ पर के टू माइनस के वन से मल्टीप्लाई कर दिए सारी साइड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए यूँ समझ लीजिए। तो यहाँ ऊपर आ गया के टू माइनस के वन ए यहाँ पर है ना, और यहाँ आ गया के टू माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी और माइनस के वन ई की पावर माइनस के वन टी प्लस के वन ई की पावर माइनस के टू टी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया और फाइनली जो हमारे पास जेड निकल के आया, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन के टू माइनस के वन के टू माइनस के टू ई की पावर माइनस के वन टी माइनस के वन, क्योंकि हमने के टू की टर्म एक साइड रख दी और के वन की टर्म एक साइड लिख दी, तो इसलिए माइनस के वन ई की पावर माइनस के टू टी। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ गई। और जब हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ए बी सी के लिए, तो ये हमारे पास ग्राफ आता है। देखिए ए की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये ग्राफ बता रहा है, और बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ पहले बढ़ रही है मैक्सिमम हो गई और उसके बाद ये कंटिन्यू घट रही है, और सी की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये हमारे पास ग्राफ है।